नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से आप 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा कर सकते हैं। इस टॉपिक पे YouTube पे ना जाने कितने सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन अभी तक आपके YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए हैं। इस टॉपिक पे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और लास्ट में भाषण मार के चले जाते हैं और आपके YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे रियल कि आप किस तरह से 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा क्यों नहीं हो रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपने कई वीडियो देखे होंगे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा कैसे होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर में आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा क्यों नहीं हो रहे हैं। आखिर में आप भी वीडियो बनाते हैं और जितने भी लोगों का चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा हो चुके हैं या उसका चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं तो वो भी वीडियो बनाते हैं। आखिर में दोनों में अंतर क्या है और आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आप YouTube पे क्लिक किए हैं, आखिर में इस वीडियो पे भी क्लिक किए हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज लेने के लिए, इस वीडियो के माध्यम से हमें 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे या कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल जाएंगे कि किस तरह से 1000 सब्सक्राइबर हम पूरा करेंगे अपने YouTube चैनल पे। तो उसी तरह से आप अपने कंटेंट में, अपने वीडियो में कुछ ऐसे नॉलेज दीजिए ताकि लोगों का वैल्यू बन सके, आपके वीडियो पर आकर के देखे और समय व्यतीत करे। साथ ही साथ आपकी वीडियो जो होना चाहिए, वीडियो में दम होना चाहिए, जिस तरह का कंटेंट होना चाहिए, जिस तरह का आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, आप एक नॉर्मल वीडियो को आप देखना पसंद नहीं करते हैं, उस वीडियो को आप स्किप करके चले जाते हैं और उस वीडियो को ना ही लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही उस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। अभी तक की बात करें रियलिटी की, अभी तक आपने YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा 50 से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि आपको उस चैनल को पसंद ही नहीं है, इसलिए आपने उस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आखिर में आपने नया नया YouTube चैनल को खोला है और आप सोच रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लोग करेंगे, आखिर में क्यों करेंगे? आपके वीडियो में कुछ ना कुछ दम होना चाहिए, तब जाकर के लोग आपके वीडियो को देखेंगे, आपके वीडियो पे कमेंट करेंगे, आपके वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन वीडियो में दम होना चाहिए, वीडियो में क्वालिटी होना चाहिए। आपको सबसे पहले उस काबिल बनना होगा जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, उस तरह का आपके अंदर में काबिलियत डेवलप करना पड़ेगा। जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं उस टॉपिक पे आपको मास्टर बनना होगा, साथ ही साथ यूट्यूब का भी नॉलेज लेना होगा, किस तरह से थंबनेल बनाते हैं, किस तरह से टाइटल लगाते हैं, किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, सब ये चीज नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर ये सब नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर्स के आपको 10 सब्सक्राइबर भी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करना होता है ये दुनिया की सबसे कठिन चीजों में से एक है। मेरा भी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने में पसीना निकल गया था और आपको भी पसीना पसीना आ रहा होगा अभी, अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा नहीं हुआ है तो। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आपने इस मूवी को कई बार देखे होंगे और इस डायलॉग को आपने कई बार सुने होंगे, कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो, और यही चीज YouTube पे भी लागू होता है। अगर आप YouTube पे आए हैं ना तो आपको सक्सेस के लिए नहीं आना है, आपको यहाँ पे सक्सेस के लिए काबिल होना पड़ता है। सबसे पहले वो काबिलियत अपने आप पे डेवलप कीजिए कि किस तरह का काबिलियत आपके अंदर में है। जितनी काबिलियत आपके अंदर है उतनी कामयाबी आपको मिलेगा। तो आपके अंदर सबसे पहले काबिलियत होनी चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए, आपको जो भी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से लोगों को समझ में आना चाहिए और अच्छे से आपको समझाना होगा, तब जाकर के लोग इस बात को समझ पाएंगे, तब जाकर के आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोग लाइक करेंगे, आपके वीडियो को देखने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले आपको बोलने का स्किल सीखना होगा, कहां पे जोर लगाना है, कहां पे धीरे बोलना है। आपको बोलने की कला नहीं आती है तो आप YouTube पे कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। जब जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार आपका ऐसा वीडियो बनेगा जो आपका वीडियो वायरल वीडियो होगा और वहीं से आपका सब्सक्राइबर्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा और वहां से व्यूज आना भी स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपके चैनल भी मोनेटाइज होंगे। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भागना है, अपने काबिलियत को डेवलप कीजिए, साथ ही साथ व्यूज बनाइए, अपने चैनल पे व्यूज लाने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आपके चैनल पे व्यूज आएंगे वैसे वैसे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो धीरे 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 करके उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे। सबसे ज्यादा हमें जो समय लगता है वो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने में लगता है, इसके बाद 10,000 में ज्यादा समय नहीं लगता है, फिर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरा करने में समय नहीं लगता है, यहां तक कि सबसे ज्यादा हमारा जो भी
सब्सक्राइबर से वो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने में समय लगता है। तो आपको कोई भी गलत तरीके से सब्सक्राइबर्स को नहीं लेना है, सबको सब नहीं करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आप अपने अंदर काबिलियत डेवलप कीजिए, कामयाबी झक मार के आएगी आपके पीछे में। या फिर एक्सेलेंस का पीछा कीजिए, कामयाबी का नहीं, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड पे आप इस तरह से मेहनत कीजिए, उस फील्ड पे जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को देखिए। आप पहले जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक पे यूट्यूब पे बना हुआ है, तो आप उस वीडियो में से 10 वीडियो को देखिए उसी टॉपिक पे, और उसी टॉपिक पे देखने के बाद अपने दिमाग लगाइए दिमाग, और दिमाग लगाने के बाद आप उसे निचोड़ निकालिए, और निचोड़ निकालने के बाद आप अपने वीडियो में वो नॉलेज दीजिए, तब लोगों को पसंद आएगा और आप उस फील्ड में मास्टर बन जाएंगे। और मास्टर बनते ही आपके चैनल रॉकेट की तरह उड़ेंगे, आप बोलने के लिए सीख जाएंगे, थंबनेल बनाने के लिए सीख जाएंगे, आप पूरे मास्टर हो जाएंगे अपने फील्ड में, तब जाकर के आपके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और फैन ही फैन आपके हो जाएंगे, लोग सेल्फी के लिए आपके पीछे भागेंगे। तो कुछ आपको काबिलियत डेवलप करना होगा अपने अंदर, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलने वाले हैं। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले आपके अंदर में काबिलियत डेवलप करना होगा, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलने वाले हैं यूट्यूब पे।